हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिव्या और वेलकम है आपका मेरे चैनल दिव्याज किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कड़ी पालक पकोड़ा। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, तो आइए चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। रेसिपी शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली नई रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। मैंने बेसन लिया है, करीब 1.5 कप ये बेसन है पकौड़े बनाने के लिए। इसमें मैंने डाला है 1/2 चम्मच नमक, 1 पिंच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये थोड़ा सा सोडा ताकि पकौड़े हमारे थोड़े सॉफ्ट बने। चॉप किया हुआ प्याज है ये, और इसमें मैं डालूंगी फ्रेश पालक के पत्ते चॉप किए हुए। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पकौड़े का बैटर बना लें, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, बहुत गाढ़ा नहीं। कप पानी लगा है बैटर बनाने के लिए क्योंकि पालक में भी थोड़ा सा पानी होता है। तो अभी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है पकौड़े बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में ऑयल गरम करके रखा हुआ है, पकौड़ों को डीप फ्राई कर लेते हैं। पकौड़ों का साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये सब तरफ से एक से सिके। तो ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, पकौड़े बन चुके हैं। इसको बाहर निकाल लेते हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अभी हमारे पकौड़े तैयार हो गए हैं, अब हम कड़ी की तैयारी कर लेते हैं। तो कड़ी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप बेसन लिया है, और इस बेसन में मैंने दही डाला है करीब 1 कप। ये थोड़ा सा खट्टा दही है, अगर दही खट्टा ना हो तो आप थोड़ा दही की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। इसको अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि कोई भी बेसन के लम्स ना रहे इसमें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक थोड़ा पतला बैटर तैयार कर लेंगे। तो अभी ये बैटर तैयार है, इसमें मैंने डाला है 1 छोटा चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसको एक पैन में ट्रांसफर कर लेंगे। अभी हमें इसको बॉईल करना है, कड़ी है, कड़ी बॉईल होने में थोड़ा टाइम लगाती है, इसको पकने में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो जब तक इसमें बॉईल नहीं आ जाता हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए बॉईल आ गया है, अभी को बीच बीच में चलाते रहें, और अगर आपको लग रही है कि ये गाढ़ी हो रही है तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते रहें। तो अभी हम इसको ढक देते हैं, और ढक कर करीब 4-5 मिनट के लिए सिम गैस पे पकाते हैं। तो इसको बनाने में करीब 3 गिलास पानी लगा है। इसमें अभी हम पकौड़े डालेंगे, और पकौड़े डाल के भी इसको थोड़ी देर पकाएंगे ताकि पकौड़े अंदर से सॉफ्ट हो जाएं। वो भी हमारी कड़ी पकौड़ा रेडी है। अब बारी है इसमें तड़का लगाने की, तो तड़के की तैयारी कर लेते हैं।
तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें करीब 2 बड़ा चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लें, फिर इसमें हींग डाली है 1/4 चम्मच। हींग बड़ी अच्छी लगती है कड़ी में। और इसमें मैंने राई डाला है 1 छोटा चम्मच, और ये 2 साबुत लाल मिर्च है, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं। इसको चला लेंगे अच्छे से। सबसे लास्ट में इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है। और ये हमारा तड़का एकदम रेडी है, तो इसको कड़ी में डाल लेते हैं। इसको हल्के से मिक्स कर लेंगे और हमारी कड़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो आइए चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। ये राइस के साथ, रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।